करना क्या करना चाहेंगे इसके प्रेजेंटर के बारे में, जितेश जी के बारे में और अजय जी जो कैरेक्टर हैं? जितेश जी को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जितेश जी के साथ मैंने पहले भी फिल्में की हैं। एक फिल्म आई थी ब्रिजवा और सांवरी आई लव यू, ये फिल्म मैंने जितेश जी के साथ की थी और उसको 7 से 8 साल हो गए। और जितेश जी मेरे पास आए, बोले कि मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, आप करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने चलो फिर से एक कॉम्बिनेशन जो है फिर से आएगा। इस फिल्म में मैं हूँ, रानी चटर्जी हैं, रानी के साथ भी मैंने कई फिल्में की, फिर बाकी हेगड़े जो हैं इतनी फिल्में की, 60-70 फिल्में की, लेकिन बाकी के साथ कभी स्क्रीन शेयर किया ही नहीं, तो इस बात की खुशी है। और जो मेरे डायरेक्टर हैं अजय जी, उन्होंने मेरे साथ एक फिल्म की थी हम दोनों में, पागल प्रेमी, तो इट इज़ फंटेबलस फिल्म और मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। और हमें तो हमारी सारी फिल्में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी वाइफ को भी वो फिल्म सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड आई कैन से ही इज़ माई फेवरेट डायरेक्टर। तो अजय जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़िम्मेदार डायरेक्टर हैं और ये फिल्म वो बहुत अच्छी बनाएंगे, मुझे इसका पूरा पूरा विश्वास है। साथ ही मेरे सह कलाकार साथ में जो और दो स्टार्स हैं, सुदीप पांडे जी हैं, सुदीप जी अब मैंने रिजवा की थी और दंगल की, और मतलब सुदीप भाई के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रैपो है। और साथ ही नए सुपरस्टार प्रिंस राजपूत हैं, वो हैं, फिर मेरे मित्र संजय जी हैं, ब्रिजेश जी हैं, गुंजन पंत है जो कि मेरी फेवरेट मेरी दोस्त है, हमने बहुत फिल्में की, तो ये एक परिवार की तरह एक हम सभी लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत काम किया और सभी लोग इस फिल्म में हैं। तो आप ये कहिए कि ऐसा लगेगा जैसे जितने बेस्ट कलाकार हैं वो सभी लोग एक फिल्म में आ चुके हैं, तो ये फिल्म अच्छी बने और मेरी तरफ से जो होगा ऐसे कलाकार मैं बेस्ट करूँगा। बाकी हमारा भोजपुरी या जनता लोग से हम ये कब कह रहे हुआ लोग अपन आशीर्वाद दें, और ये साल हमार एक तो भोजपुरिया में दम बा ही सिनेमा रिलीज हुई, एक हिंदी सिनेमा भी हम कई लेबानी हुए आवता, और साथ ही साथ ही आज ये सिनेमा के लॉन्च हो गए था, तो रवा लोग भोजपुरिया दर्शक लोग अपन भरपूर स्नेह प्यार आशीर्वाद के सिनेमा के जरूर दी हम ये का। धनिया जी इस फिल्म में 3 हीरोइने हैं, आप किस हीरोइन के साथ नजर आएंगे, मतलब सबसे अच्छी कौन लगती है उसी का नाम बताइएगा। मुझे तो तीनों बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, तीनों ही इतनी बढ़िया आर्टिस्ट हैं। रही बात मेरी साथी कलाकार की, तो जहाँ तक मुझे मेरे डायरेक्टर ने बताया है कि रानी चटर्जी हैं, रानी अपने आप में बहुत अच्छी है, पाखी जी बहुत अच्छी है, गुंजन पंत बहुत अच्छी, तो तीनों ही जो हीरोइंस हैं ये अपनी अपनी जगह बहुत बड़ी सुपरस्टार्स हैं और इनके बहुत दर्शक हैं, बहुत चाहने वाले हैं, तो इन तीनों के साथ बहुत विनय बहुत आनंद मिल रहा है साथ में। पिक्चर का नाम है तेरी आंखों में वो जादू है, तो वो जादू सबसे ज़्यादा किस में दिख रही है आपको? ये तीनों हीरोइन, ये तो आप बचने के लिए बोल रहे हैं तीनों में है? नहीं, बचने की बात नहीं है, ये तीनों जादू करनी है। अच्छा, बहुत अच्छी, हाँ, मतलब रानी चटर्जी हैं, पाखी हो गई, गुंजन हो गई, मतलब ये तीनों इतनी मतलब भोजपुरिया दर्शक जो है इन्हें इतना चाहते हैं तीनों को, तो हम कैसे नहीं चाहेंगे, आप तो मनुष्य है ना भाई। आपके साथ और दो भाई इसमें हैं, सुदीप पांडे जी हैं, प्रिंस सिंह राजपूत जी हैं, क्या तीनों का कम्युनिकेशन अच्छा है? सुदीप पांडे जो हैं ये हमारे एक्शन स्टार जाने जाते हैं, और खुशी की बात यह है कि मैंने इनके साथ दो तीन फिल्में की जिसमें से तीनों अच्छी चली, ब्रिजवा और भैया भोजपुरिया और दंगल, तो तीनों फिल्में अच्छी चली, तो सुदीप के साथ बहुत अच्छा मेरा रैपो है। बाकी प्रिंस राजपूत जो है ये हमारे युवा कलाकार हैं, लेटेस्ट सुपरस्टार हैं, ये भगवान करें आगे बहुत अच्छा काम करें, अच्छी फिल्में कर रहे हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो देयर इन दिस सिनेमा, तो ये एक फिल्म के लिए अच्छा है कि सिर्फ मेरे कंधे पे नहीं है,
शुक्र है इस बात का, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे साथ और सुपर स्टार्स हैं, सभी लोग हैं, तो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ही कंधे पे नहीं है, इन सभी लोगों के कंधे पे भी है, इस बात की मुझे खुशी। अच्छा, पूरे लॉकडाउन में इस बार आपने क्या किया है? वही जो सभी लोग करते हैं, मैं बड़ा लकी रहा क्योंकि मैंने बॉलीवुड फिल्म का स्टोरी स्क्रीन प्ले मैंने खुद लिखा है, जिसकी शूटिंग शिमला में हो चुकी है। वो एक हिंदी फिल्म है और उसका टाइटल मैं बहुत जल्दी सभी लोगों को बताऊंगा। और 20 वर्ष के बाद मैं बॉलीवुड में कमबैक कर रहा हूँ। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कितने साल हो गए, लो मैं आ गया, दिल ने प्रयाद किया, सौतेला, जहाँ जाइए कामी पाइए, इतने साल बाद मैं फिर से हिंदी फिल्म कर रहा हूँ। और इसके बीच में मुझे इतनी सारी भोजपुरी फिल्में करने का सौभाग्य मिला, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना काम मैंने किया और फिर से मुझे मौके पे मौके ईश्वर देता है, आप सभी लोग देते हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मामा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसके लिए? मामा के बारे में। गोविंदा जी तो लेजेंड है। कृष्णा अफशक्स भी जब भी पर्दे पाते हैं टेलीविजन पर, लॉकडाउन में हमने काफ़ी देखा, तो मामा का जरूर याद करते हैं, आप कितना उनको याद करते हैं? कृष्णा जो याद करता है उसका तरीका कुछ अलग है याद करने का, मैं कुछ अलग तरीके से याद करता हूँ। मैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध की तरह मैं आदमी की अच्छाइयों को देखता हूँ, ना कि उसकी बुराई, क्योंकि बुराई तो सब में है। तो ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों का या अपने सीनियर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाकी एज अ ह्यूमन हम सभी लोगों से बहुत आशाएं रखते हैं, लेकिन वो सभी लोग पूरी कर पाए न जाने उनकी क्या मजबूरी हो जो हम नहीं जानते। तो किसी को दोष देना ठीक नहीं है, हमें अपनी कोशिश करती रहनी चाहिए। आज का जो दिन है ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कि इतने कोविड और कोरोना के इतने दुख हम सभी लोगों ने झेल लिया है। इसमें मतलब आपका जो फिल्म बना था पहले, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही हो रहा था लॉकडाउन में? हाँ, मतलब आप कह सकते हैं कि सभी लोगों की आमदनी अठन्नी जो है वो 54.25 पैसे हो गई होगी, क्योंकि आ कुछ नहीं रहा था, जा ही जा रहा था, तो अब कुछ आ रहा है और पैसे मिल रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है। भैया पैसा अगर कमाए के बाद तो भैया लोग काम करेंगे, पढ़े लग वाले तो ही जनते बानी, तो भाई हम सिनेमा साइन केले बानी और अवा लोग के आशीर्वाद हुई तो भरपूर और बहुत सारा काम करें। बहुत बधाई इस फिल्म के लिए। हम चलते हैं थोड़ा सा पॉलिटिकल गतिविधि की तरफ। मनोज जी और रवि किशन की तरफ से अभी जारी हुआ है कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड होना चाहिए सिर्फ अश्लीलता को लेकर, इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, रवि किशन भाई ने ये मुद्दा उठाया, मनोज तिवारी भाई ने ये मुद्दा उठाया, वो इस लायक हैं, वो उस जहाँ पे हैं उस जगह पे हैं जहाँ उन्हें वो लाइसेंस मिला हुआ है कि वो कुछ भी बात कर सकते हैं। और अश्लीलता वाकई में हमारे भोजपुरी समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को ख़त्म होना चाहिए। और मैं जितने नौजवान कलाकार जो इतनी मेहनत करते हैं, गाना गाते हैं, सब करते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि मैं जानता हूँ कि नाम कमाना बहुत मुश्किल है, ऊपर आने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन फिर भी रहुआ लोग कोशिश करें कि ऐसा गीत गा के अपन भोजपुरी समाज के नाम को मिट्टी में ना मिलाएं। बस यही है। थैंक यू सर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।